आइए मित्रों, अब आपको गोल्ड स्मिथ बनने की जानकारी दें। गोल्ड स्मिथ कैसे बना जाए, कैसे इसका व्यापार किया जाए, कुछ इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। कृपया सब ध्यानपूर्वक इसे समझने का यत्न करें। सबसे पहले मार्केट के अंदर एक दुकान का होना बहुत जरूरी है। दूसरा, लगभग 100 ग्राम सोना का होना भी बहुत जरूरी है ताकि ग्राहक से ऑर्डर लिया जा सके। कुछ डुप्लीकेट डिजाइनों का होना भी बहुत जरूरी है जो कि रोल्ड गोल्ड के बनाए जाते हैं। उन डिजाइनों के माध्यम से सोने के डिजाइनों का ऑर्डर लिया जाता है। जैसे 20 प्रकार के हारों के डिजाइन, 20 प्रकार के अंगूठियों के डिजाइन, 20 प्रकार के लॉकेट के डिजाइन, 20 प्रकार के पायजेबों के, 20 प्रकार के नेकलेस के डिजाइन, कई प्रकार के डिजाइन रखने बहुत ही जरूरी हैं ताकि जो भी ग्राहक जिस प्रकार का डिजाइन पसंद करना चाहे वह उस प्रकार का पसंद कर सकता है। तीसरा, इसके अंदर पूंजी का होना भी बहुत जरूरी है। हमारे पास लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए होने बहुत जरूरी हैं। प्रथम 100 ग्राम सोना हो, साथ में लगभग 1.5-2 लाख रुपए की पूंजी भी हो ताकि जो ग्राहक पूंजी दे, मान लो के 50 ग्राम सोने का ऑर्डर ग्राहक देता है तो उसकी पूंजी वो पूरी नहीं देता, लगभग आधी से भी कम पूंजी हमें मिलती है, बाकी की खुद पूंजी हमें लगानी पड़ती है। इसलिए 1.5-2 लाख रुपए होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम जो ग्राहक पूंजी देता है उसके साथ अपनी पूंजी जोड़ करके वो उस सोने की पूर्ति कर सकें। तीसरा, ग्राहक से बहुत ही मीठा बोलना भी बहुत ज़रूरी है। यदि हम ग्राहक को अटेंड करते समय किसी प्रकार का रूखापन, किसी प्रकार की बेतबारी, बेविश्वास प्रकट करेंगे तो ग्राहक फौरन से पहले ही चला जाएगा। ग्राहक को आइए बैठिए, बताइए कौन सा डिजाइन आपको पसंद है, कौन सा आपको सोने में आप लेना चाहेंगे, 22 कैरेट में लेना चाहेंगे, 23 कैरेट में लेना चाहेंगे, केडीएम का बनवाना चाहेंगे, तो इस प्रकार से ग्राहक को अटेंड किया जाए। मैं चाहता हूँ कि गोल्ड स्मिथ जो व्यापारी हैं सारा दिन के अंदर उन्हें कम ऑर्डर मिलता है, किंतु यदि एक ही ऑर्डर हमने अच्छी तरह से भुगता लिया है, एक ऑर्डर बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है तो उसका विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। ग्राहक, एक ग्राहक दूसरे ग्राहक को खींच लेके आता है, क्योंकि हमें यदि ईमानदारी है, कोई भी काम ईमानदारी से यदि करते हैं तो उसकी प्रशंसा सभी शहर के अंदर, सारे शहर वासियों के अंदर होती है और दिन बर दिन काम पक्का होता जाता है। मार्केट के अंदर एक दुकान होकर के उसका फ़ायदा यह है कि साथ में आते जाते जितने भी लोग हैं उस दुकान को देखते हैं, साथ में उसका कुछ सैंपल के तौर पर उसकी कुछ दुकान में अच्छी तरह से वो बनाई जाए और उसके अंदर शीशे वगैरह के अंदर डिजाइन रखे जाएं ताकि लोगों को बाहर से ही नज़र आए कि कितने अच्छे प्रकार से ये डिजाइन का संयोग हुआ है। देखने वालों को ये लगे कि इसके अंदर हम यदि जाएंगे दुकान के अंदर तो हमें अच्छी वैरायटी मिलेगी, अच्छी वैरायटी के दर्शन होंगे और अच्छे अच्छे डिजाइन को डाल करके हम खूबसूरत दिखेंगे। तो ऐसा कुछ हमें करना बहुत ज़रूरी है जिससे दुकान जल्दी से जल्दी चले, जल्दी से जल्दी इसका आधुनिकीकरण हो। उस आधुनिकीकरण के अंदर हम उसके अंदर कारीगर भी बिठाएंगे, कुछ कारीगरों के लिए भी जगह रखेंगे, उसके अंदर मशीनें भी जोड़ेंगे, कुछ औजार भी रखेंगे, कारीगरों को भी
महीने का वेतन दिया जाएगा। इस प्रकार से कुल मिलाकर हम हमारा जो खर्चा हो उसका भी अनुपात बनाना बहुत जरूरी है। जैसे किसी भी काम को करने से पहले उसका अकाउंट बहुत जरूरी है, उसका भुगतान बहुत जरूरी है, उसका लेन देन का जो हिसाब किताब है वो भी रखना बहुत जरूरी है कि कितना सामान बिकने में आया है और कितना हमारे द्वारा बेचा गया है और उसका प्रॉफिट हमें क्या हुआ है, उसका हमें लॉस क्या हुआ है, उसका उसका दिन प्रतिदिन उसकी क्या कंडीशन है, ये रखना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भी हमें एक वर्कर की या स्वयं ही उसे करने की बहुत ज़रूरत है। यह थोड़ा सा मैंने गोल्ड स्मिथ के बारे में बताया है। हैं प्रथम ये जानकारी हमें रखनी जो बहुत ज़रूरी है कि गोल्ड कितने कैरेट का होता है। यदि हमें ये ही जानकारी नहीं है तो हम गोल्ड स्मिथ नहीं बन सकते। सबसे पहले हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जो प्योर सोना है 24 कैरेट का होता है और हमें जो बनाना है वो 22 कैरेट में या 23 कैरेट में बनाना है। 23 कैरेट के अंदर 400 मिलीग्राम तांबा पड़ता है और 22 कैरेट के अंदर 800 मिलीग्राम तांबा पड़ता है और जिससे सोने में मजबूती आती है। ग्राहकों के जो जेवर हैं वो कम टूटते हैं, उसमें टूटने में समय बहुत लगता है, बहुत अच्छा चलते हैं। यह भी मजबूती प्रदान करने के लिए उसके अंदर कैरेट का हिसाब, तांबे का हिसाब मिलाया जाता है। यह भी रखना, यह भी दुकानदारों को आना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार कुछ चांदी का सामान भी रखना बहुत ज़रूरी है। चांदी के जेवर जैसे पायजेब हो गई, चांदी के अंगूठियाँ हो गई, चांदी का सामान जैसे ब्रासलेट हो गए, गले की चैन हो गई, ये रखना भी बहुत ज़रूरी है ताकि जो सोने का सामान नहीं खरीद पाते वो कम से कम चांदी का सामान तो खरीद ही लें। और इससे हटकर भी जो चांदी का सामान नहीं खरीद सकते उनके लिए कुछ रोल्ड गोल्ड के जेवर जो बहुत सोने जैसे ही नज़र आते हैं वो उनका रखना भी बहुत ज़रूरी है। वो ऐसे भी बिक जाते हैं, डिजाइन के लिए रखना भी बहुत उनके लिए ज़रूरी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि छोटी छोटी वस्तुएं डिजाइनिंग की वो रख कर के हमें उस व्यापार को आगे बढ़ाना है। ये मैंने थोड़ा सा आपको गोल्ड स्मिथ के बारे में बताया। धन्यवाद।